जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों यह अंतिम विदाई का वीडियो देख रहे हैं जो आपको बताते चले कि राजस्थान के नागौर जिले के शहीद जवान हरिकिशन का अंतिम विदाई का वीडियो है। यह जवान देश की सेवा देते हुए अपने प्राण को आहुति दे दिए थे, लेकिन दुख की बात यह है कि आज शहीद जवान की सेना के विशेष वाहन से पार्थिव शरीर इनके पैतृक आवास पर लाया जा रहा था, जहां पर लोग इनके पार्थिव शरीर पर पुष्पमाला बरसा रहे थे और सभी नम आंखों से विनम्रपूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे थे। लोग इनके अंतिम यात्रा में बताया जा रहा है कि हजारों सैकड़ों जनसैलाब उमड़े थे और सभी हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम, जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद हरिकिशन तेरा नाम रहेगा नारा से गूंज उठे पूरे पैतृक क्षेत्र। आपको बताते चले कि यह जवान मूल रूप से राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र का हिरनी ढाणी गांव का रहने वाले थे और यह जवान देश की सेवा देते हुए 28 मई को शहीद हो गए थे। आज दो दिनों इंतजार के बाद शहीद जवान का पार्थिव शरीर सेना के विशेष वाहन से पैतृक इलाका पर लाया गया, जहां पर पार्थिव शव को देखते ही सभी परिजनों को रो रो कर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका था। सभी नम आंखों से विनम्रपूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर शहीद जवान का अंतिम विदाई दिए। आपको बताते चले कि यह जवान का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ सशस्त्र सलामी देकर शहीद जवान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद जवान हरिकिशन बीते कई वर्षों से लगातार देश की सेवा देते आ रहे थे, लेकिन दुख की बात यह है कि यह जवान 25 वर्ष की उम्र में देश की सेवा देते हुए शहीद हो गए थे। आज शहीद जवान का अंतिम यात्रा के साथ पूरे राजकीय सम्मान के साथ सशस्त्र सलामी देकर शहीद जवान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शहीद जवान के शहीद होने की सूचना इनको परिजनों को दिया गया था। शहादत की सूचना आते ही पूरे क्षेत्र में गमगीन का माहौल बन चुका था, पूरे घर पर सन्नाटा पसर चुका था। आज शहीद जवान का जैसे ही पार्थिव शरीर इनके पैतृक निवास पर लाया गया, जहां पर पार्थिव शव को देखते ही पूरे परिजनों को रो रो कर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका था। शहीद जवान बीते कई वर्षों से लगातार देश की सेवा देते आ रहे थे, लेकिन दुख की बात यह है कि यह जवान आज हमारे बीच नहीं रहे। यह जवान देश की सेवा देते हुए शहीद हो गए थे। आज शहीद जवान के राजकीय सम्मान के साथ सशस्त्र सलामी देकर शहीद जवान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वाकई में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर होते हैं। अगर शहीद जवान हरिकिशन के लिए आप लोग को जरा सा भी रिस्पेक्ट हुआ तो कमेंट में जरूर लिखना। मैं भगवान से विनती प्रार्थना करता हूँ शहीद जवान हरिकिशन का आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन की शक्ति दे। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि शहीद जवान के कमेंट बॉक्स के जरिए जय हिंद जरूर।